दीपक कहाँ है बता दे मुझे, कल मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं तो तुझे मौत की फिर सिर्फ साले तेरा जले खतावार हो कैसे मुझको किसी ने। हाँ भैया क्या कह रहे हैं आप, ये महल में सबसे बढ़िया आपको सोने में मजा आएगा। और हम बिस्तर लगा रहे हैं, यह भी बिस्तर लगा रहे हैं, हम बिस्तर लगा रहे हैं, प्यार से आप फल खाइए, मुस्कुरा के आराम से सो जाइए। फल खाओ यहाँ बैठ के देखी जहां गेट पे बाहर, गेट पर मैं पहरा दे रहा हूँ, आप प्रेम से फल खाइए। हम ना खाओ नहीं हम अमर हो जाए ना तो भेमौरी तक जाए ना बहू है। भैया इनाम रोशनी हूँ दीपक, उठो दीपक, ए दीपक, क्या तुम भूल गए वादा? तुमने तो वादा किया था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और आज सुबह कि तुम आराम से सो रहे हो दीपक। नहीं दीपक, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। दीपक उठो दीपक, दीपक दीपक हो भूली बिसरी फिर
तुमने कहा था कि रोशनी में तुम्हारा इंतजार करूंगा, आज ये रोशनी तुम्हारे लिए नाग मोहिनी बन गई है। दीपक दीपक तुम्हें उठना होगा, दीपक तुम्हें उठना होगा। दीपक तुम उसे दूर नहीं जा सकते, जब मैं दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे लिए आ सकती हूँ तो तुम्हें सोने नहीं दूंगी, नहीं सोने दूंगी दीपक। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, तुम्हें बिजनौर राज में नहीं रहने दूंगी दीपक, नहीं रहने दूंगी। चल चल मेरी माया, उठो दीपक, दीपक उठो। Oh,
बड़ा दीपक, क्या हो गया तुम्हें? अभी है बाल बजे रात कुंवारी का, अभी है बाल बजे रात कुंवारी का, क्या हो गया बेटा? आखिर बेटा दीपक तुम्हें क्या हो गया? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पिता एक सम सो कमल परी रही चिल्ला, पिता एक सम सो कमल परी रही चिल्ला, वो देखो पिताजी वो देखो आकाश में कोई जिंदगी भसी थे, मेरे पिताजी पिताजी मुझे जाने दो पिता, मैं उसे छुड़ा प्यारी के गले हार में चिन्हाऊ, अपने गंधर्व विवाह नहीं प्रिय रोदनी मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रिय, अपने गंधर्व विवाह की रस्म में निभाऊ प्रिय, अपने गंधर्व विवाह की रस्म में निभाऊंगा, चमकते चांद को मैं चमकते लाऊंगा, क्या प्रिय नहीं प्रिय मुझे छोड़ दो, मैं अपनी प्यारी को बचा लूंगा। ये गंधर्व की बात कर रहा है, कोई भूत या प्रेत? अरे भैया हमको ऐसा लग रहा है। क्या चीज है? कि कुंवर दीपक के ऊपर बहुत बड़े शय का चक्कर है। प्रताप सिंह मुझे भी ऐसा लगता है जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन मेरे भैया दिमागी संतुलन सिर्फ आज बिगड़ना था, आपको ऐसा लगता है कि आज सपने में कुछ ऐसी चीजें देख लिया है जिससे घबरा गया है, और हमको तो लगता है कि कोई बड़े शहर ने इसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मेरे भैया देर न करते हुए हम और आप चले किसी अच्छी तांत्रिक की खोज करें जिससे कि कुंवर दीपक का इलाज हो सके। प्रताप सिंह अभी रात को 12 बज रहा है, हम इस टाइम कहां चलेंगे? लेकिन भैया अगर शायद रात में कुंवर दीपक कहीं थक गया तो हम और आप हम इसका इंतजाम करेंगे। बाल बाल सेना प्रत्याय सिंह को बुलवाया जाए।
अचानक सीमा सरहद बुलाने का कारण सेनापति सिंह राजन राजकुमार दीपक की सीमा की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके पास रहना है। सुबह होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को बुलवा करके हम उसे दिखाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो। क्यों नहीं राजन? तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत बड़ा भरोसा है। क्यों नहीं राजन? इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे आने के पहले राजकुमार दीपक कहीं भागने न पाए। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश, आपके आदेश का ये सेनापति सिंह अवश्य पालन करेगा। महामंत्री कांता सिंह और छोटे भाई प्रताप सिंह, बड़े भैया काफी रात हो गई है, चलो तुम लोग चल करके आराम करो। जैसा ही किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके हम राजकुमार को अवश्य दिखाएंगे। जय सिंह। बोलो छोटे राजन। हमारे कार्य पक्का, दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए जब तक हम लोग अच्छे तांत्रिक की खोज न कर ले, हमारे भतीजे की देखरेख करना अवश्य। और अगर शायद हमारा भतीजा दीपक अगर महल से भाग गया तो सोच लेना हम ठाकुर जरा दो जी किस्म के हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा छोटे राजन, इसलिए हरगिज नहीं होगा। 1% भी लापरवाही नहीं होगी। लाल विजय सिंह अगर कुमार दीपक महल से भगा तो सोच लेना तेरे खानदान को चलाकर। ऐसा सेनापति जय सिंह के रहते हुए कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे भतीजे की निगरानी करो और हमारे आने का इंतजार करो। ठीक है छोटे राजन। सर बोलो छोटो, मेरा कहने का मतलब यह है आप उस गेट पर रहें और मैं इस गेट पर पहरा दूंगा। नहीं छोटो। हाँ सर। तुम भी जाओ अपने कमरे में आराम करो। साहब मैं कमरे में तो आराम करने चला जाऊंगा, मगर आप अकेले क्या करेंगे यहाँ? अरे सेनापति जय सिंह है, इस कुंवर की देखरेख अकेले करेगा। ठीक है साहब, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ छोटो। आज हम तुम्हारी देखरेख करेंगे और आज अपनी पलक नहीं झपकने देंगे। दोस्तों कुंवर दीपक की दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए हम कुंवर दीपक की देखरेख और अच्छे से निभाएंगे। और कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले साथियों,
कुछ गम नहीं कट गए सर हमारे, तो कुछ गम नहीं सर हमारे, कर चले हम कल साथियों अब तुम्हारे हो। ये आगे बार बार वही लगातार नाम लालता काली चाय वाले, लालता प्रसाद काली चाय वाले, मुझे बचा लो दीपक। तुम कहाँ प्रिय? मुझे बचा लो दीपक। मैं बचा लूंगा प्रिय रोशनी। मैंने तुझे क्या कहा था कि जब तक दीपक सो रहा है तब तक तुझे जागना है, मेरे आने तक दीपक उठकर जाने न पाए। कहा दीपक बता? और सिर पे साले तारा चले साले तरा चले फटावार हो, कैसे मुझको किसी ने बताओ दीपक कहाँ है? राजन सिर्फ शोले का गुनेगार हूँ, जैसे मुझको किसी ने महका दिया राजन, मेरी खता कोई नहीं सागर।
सेनापति सिंह पे मुझे दया आ गई है, लेकिन याद रखना अगर मेरा दीपक मुझको नहीं मिला तो तुझे फांसी दे दूंगा। राजा जी मैं आपके चरणों की शरण दिखाकर कहता हूँ, अगर आपके बेटे दीपक कुंवर को ढूंढ कर डाला सका तो मैं इस बिजनौर नगर में अपना मुख ले दिखाऊंगा। राजा अगर तूने बिना दीपक के अपना मुंह दिखाया तो उसी वक्त तुझे फांसी की सजा दे दूंगा। नगर में नहीं दिखाऊंगा राजा। जा जा और खाली हाथ मत आना। राजा मुझे दीपक चाहिए किसी भी हाल में। राजा जी अगर आपका आशीर्वाद सेनापति सिंह के ऊपर रहा तो मैं एक दिन अवश्य आपके बेटे दीपक कुंवर को जरूर ढूंढ कर अपना मैं चल रहा हूँ। याद रखना तू जानता है मेरे फैसले को, मेरा फैसला अटल है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। स्टॉप ये आगे।